सोचिए कि आप अपने फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि सोचिए आप YouTube में हमारे ही एक चैनल का वीडियो देख रहे हैं, बट वीडियो चलते चलते खुद ब खुद आपका गैलरी खुल जाता है। फर्स्ट टाइम पर आपको लगेगा कि ये फ़ोन का एक छोटा सा ग्लिच है और आप फिर से YouTube में हमारा वीडियो देखना चालू कर देते हैं, लेकिन इस बार भी आपका फ़ोन आपके ना चाहते हुए भी खुद ब खुद काम करने लग जाता है। ऐसे टाइम पर हमारे दिमाग में जो ख्याल सबसे पहले सामने आता है वो है आपके फ़ोन हैक हो चुका है। लेकिन दोस्तों आज के वीडियो में हम एक ऐसे ही हैकर के बारे में बात करने वाले हैं जो एक नॉर्मल फ़ोन नहीं एक सुपर कंप्यूटर को हैक कर लेता है, वो भी नासा के एक कंप्यूटर जिसको दुनिया का सबसे सीक्रेट स्पेस एजेंसी माना जाता है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए जान लेते हैं कि कौन है यह इंसान जिसने नासा को हैक करने के बारे में सोचा है, इससे नासा के साथ क्या हुआ और पकड़े जाने के बाद उस हैकर के साथ क्या किया गया। दोस्तों ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसी वजह से इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। सो आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है हमारे साइंस एंड फैक्ट्स में। तो दोस्तों बात है 1999 का, जब महज 15 साल का एक लड़का सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नासा एंड अमेरिका के डिफेंस सिस्टम को हैक कर लेता है, जिसके वजह से नासा को 21 दिन तक अपने सारे कामों को बंद करना पड़ा था। और तो और 3300 ईमेल्स, बहुत सारे पासवर्ड्स एंड बहुत सारे लोगों की पर्सनल मैटर भी हैक करके लोगों के सामने ला देता है। दोस्तों उस लड़के का नाम था जोनाथन जोसेफ जेम्स, जो 1983 12 दिसंबर पर जन्मे थे, जो फ्लोरिडा के सिटीजन थे। जेम्स अपने हैकिंग करियर में अपने नाम रखते हैं कॉमरेड। इस साइबर क्राइम की वजह से जेम्स को 6 महीने का सजा होता है। इसका रीजन है जेम्स उस समय पर एक किशोर था, इसी वजह से वाशिंगटन में स्थित जस्टिस डिपार्टमेंट के क्लेम करने से हमें पता चलता है कि जेम्स यूएस का यंगेस्ट हैकर बन जाता है, जिसे सलाख होकर पीछे रखा गया था। जेम्स अपने हैकिंग के चलते बहुत सारे सॉफ्टवेयर एंड ईमेल्स को भी चुरा लिया था। 16 की एज में जेम्स कहते हैं कि मार्शल स्पेस फ्लाइट सेंटर के 13 कंप्यूटर्स को पूरी तरीके से हैक कर लेते हैं। और तो और दोस्तों जेम्स नासा के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर चुरा लेते हैं, जिससे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के एनवायरनमेंट, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को ठीक रखा जाता है। वो इस सॉफ्टवेयर को पूरी तरीके से एक्सेस कर लेते हैं एंड उस टाइम पर उस सॉफ्टवेयर का कीमत है $1.7 मिलियन। अब आज से 22 साल आगे आप सोच ही सकते हैं ये कितना बड़ा अमाउंट है। अब दोस्तों इस हैकिंग के बारे में पहले नासा को भी कोई अंदाज़ा नहीं था, मतलब कह सकते कि इसके पीछे कौन छुपा था वो उन्हें भी पता नहीं था, इसीलिए नासा को अपने सारे काम 21 दिन तक बंद रखना पड़ता है, जिससे नासा को टोटल $41,000 का नुकसान होता है, जो स्पेशली कॉन्ट्रैक्टर और लेबर्स के लिए थे इक्विपमेंट्स को रिप्लेस करने के लिए। 1999 के अगस्त और अक्टूबर में कॉमरेड द डिफेंस थ्रेट रिडक्शन एजेंसी के कंप्यूटर नेटवर्क में इंटर कर जाते हैं। दोस्तों DTRA का काम है USA को न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल और कॉन्वेंशनल बहुत सारे थ्रेट से अगवा करते हैं। जेम्स डूरेस के एक राउटर के थ्रू DTRA के डेटा में एंटर करते हैं, एक बैकडोर इंस्टॉल करते हैं जिससे DTRA का डेटा एक्सेस कर पाए। दोस्तों जेम्स इस काम में सफल होता है, DTRA का बहुत सारे ईमेल्स और 19 एम्प्लॉयज का यूजर नेम और पासवर्ड चोरी कर लेता है एंड 10 मिलिट्री कंप्यूटर्स को भी एक्सेस कर लेता है, जिसमें बहुत से कीमती इन्फॉर्मेशन मौजूद थे। ऐसे तो इस तरीके साइबर क्राइम को बहुत ही सीरियसली लिया जाता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 15 साल उम्र होने की वजह से जेम्स को 6 महीने का जेल होता है। अगर प्रोसिक्यूटर एक एडल्ट होता तो उसके ऊपर वायर टैपिंग और कंप्यूटर वायलेशन का चार्ज लगाया जाता है, जिसका बहुत ही बड़ा सजा होता है। बट दोस्तों जेम्स ने जिस एजेंसी का डेटा एक्सेस किया था वो थे दुनिया का सबसे खुफिया सीक्रेट एजेंसी नासा। तो इन सारी घटनाओं के बाद नासा और USA की डिफेंस सिस्टम भी उस हैकर को ढूंढना चालू कर देता है और कुछ ही पलों के अंदर कॉमरेड यानी जेम्स पकड़े जाते हैं। लिटरली जेम्स को भी पता नहीं था कि उसने इतना बड़ा कारनामा कर दिया। इसी वजह से जेम्स नासा के एडमिनिस्ट्रेटर और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस को एक चिट्ठी लिखता है, जिसमें जेम्स ने उन लोगों को अपने इन कारनामों के लिए माफी मांगा है। एंड इस टाइम के बाद से पूरा दुनिया में हैकरों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गया एंड आज भी बढ़ते जा रहा है। दोस्तों हमारा ये वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना, और आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए साइंस एंड फैक्ट्स को और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।